हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक रेलवे स्टेशन का वीडियो। बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, देखेंगे कैसा है ये सोनागिर रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में आता है। देखेंगे और जानेंगे इसकी खासियत, इसकी विशेषताएं कि क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नव निर्माण चल रहा है, पास ही में एक थर्ड लाइन चालू हो रही है, उसका काम चल रहा है जो झांसी से आगरा तक के लिए जाएगी ये लाइन, उसी का काम हो रहा है। गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं उधर, काफ़ी पीछे बनकर भी आ गई हैं, यानी कि इस पर स्लीपर लग गए हैं, स्लीपर के ऊपर इनकी पटरियाँ लग चुकी हैं। जो पीछे की ओर कार्य हो रहा है, जैसा कि आपको लगभग नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, पर यहाँ भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये मालगाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं ये जो क्वार्टर्स हैं ये रेलवे एम्प्लॉयज़ के हैं, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको क्वार्टर प्रोवाइड किया गया है रेलवे की तरफ से, तो अच्छा है ये लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ पर ये ब्रिज भी बनाया जा रहा है जिससे यात्रियों को इधर से उधर जाने की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि थर्ड लाइन आएगी तो लोगों को उस तरफ जाना पड़ेगा, इस वजह से इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। ये जो ब्रिज है ये बाहर तक पहुंचा हुआ है, अभी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल रोड पर पहुंचा दिया गया है एक तरह से, आपको दिखाऊंगा। देखिए ये सामने ये जो रेलगाड़ी है, मात्र 3 डिब्बों की रेलगाड़ी, देखिए ये सफ़ेद वाला इंजन आपको दिख रहा है, इसके पीछे मात्र 3 डिब्बे हैं। इतनी छोटी रेलगाड़ी आपने शायद ही कभी देखी हो। देखिए ये इंजन है, इसके पीछे एक डिब्बा है, एक कंपार्टमेंट है, इसके पीछे एक और कंपार्टमेंट, और उसके पीछे एक और, मात्र 3 कंपार्टमेंट है और ये इंजन है। एक मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई इतनी छोटी रेलगाड़ी, देखिए कभी आपने, ऐसी ही अमेजिंग आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये सामने ये छोटा सा इंजन सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं टावर वैगन। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से लोग वहाँ उतरते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पुल मैं आपको बता रहा था किस तरीके से ये बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ रेलवे स्टेशन से बिल्कुल बाहर चला जाएगा रोड पर, एकदम इतना बड़ा बनने वाला है ये रेलवे स्टेशन सोनागिर। इसकी खासियत भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जैन मंदिर हैं, मैं उनका मंदिरों का वीडियो भी लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरह के हैं यहाँ के मंदिर और क्या है उनकी विशेषता। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैन मंदिर देखने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कभी अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो इन मंदिरों के पास ज़रूर जाइए, आपको मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे। ये है टावर वैगन, इससे क्या होता है कि OHE जो होती है ऊपर जो रेलवे का करंट वाला तार है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो इसकी सहायता से उस दिक्कत को दूर किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी मशीन है जिस पर हम कार्य करते हैं, और अभी हम सोनागिर रेलवे स्टेशन पर हैं जो कि मध्य प्रदेश में आता है MP। ये कुछ साथी लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये पुराना रेलवे स्टेशन है और इस पर भी उचित व्यवस्थाएं हैं सोनागिर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं दिखाऊंगा जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये, आप ऐसा सोचें कि जैसे अपने पुराने घर में आ गए हों। देखेंगे आप इसके पिलर वगैरह और इसकी ऊंचाई, पुराने ज़माने में जो ऊंचे-ऊंचे बनते थे ऐसा दृश्य आपको प्रतीत होगा। और ये पुराने ज़माने का है, वेटिंग मशीन है जिस पर हम कोई गुड्स वगैरह आते हैं तो इस पर उसका वेट लिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है जिस पर काफ़ी धूल है, उसे मैं साफ़ करके आपको बताऊँगा किस तरह से यहाँ पर वेट का पता चलता है। इस पर वेट रखने के बाद ये कांटा जिस नंबर पे आ जाएगा उतना वेट इसका पता चल जाएगा कि उस चीज़ का कितना वेट है। ये देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 नंबर डले हुए हैं, 50 kg लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से वजन को तोल लिया जाता है। अब देखिए इसके पुराने ज़माने के पिलर और इसकी छत, छत देखेंगे हम
किस तरह से ऊंचाई पर ये पंखा लटका हुआ है, और ये काफ़ी ऊंची छत है जैसा कि आप देख रहे हैं। एकदम पुराने ज़माने का लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल पत्थरों का बना हुआ ये एकदम ऊंचाई वाला कमरा लग रहा है। ऐसे मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, एकदम मोटे मोटे खंभे, मोटे मोटे पत्थरों से बना हुआ एकदम गांव के जो कमरे होते हैं उनकी याद दिलाता हुआ ये अनुपम ग्रह। और ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं, बाहर रोड पर। जो पुल मैंने आपको अभी बताया था ये पुल एकदम रोड पर आ चुका है, बिल्कुल बाहर स्टेशन से बाहर आता हुआ। तो इतना बड़ा स्टेशन ये बनने जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। स्टेशन के बाहर ये कुछ दुकानें हैं और स्टेशन का व्यू हम बाहर से लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए सोनागिरी स्टेशन के ऊपर ये मंदिर की चोटी बन रही है। ऐसा इसलिए बनाया ही गया है क्योंकि सोनागिर पर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। कभी आप आते हैं सोनागिर तो उन मंदिरों को देखते जाइए। उन मंदिरों का एक रिलेशन हमारे यहाँ की हिंदी फिल्मों से भी है, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बताइए कि अपने बॉलीवुड की कौन सी मूवी सोनागिर के मंदिरों में बनी है, या कौन सी मूवी में कोई गाना है जिसमें सोनागिर के मंदिर दिखाए गए हैं। अगर आपको पता है तो बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें।